मुंबई से मोतियाबिंद को दूर करने का अरुणदेव का संकल्प। जनता कल्याण केंद्र पूरे मुंबई से कटरैक्ट यानी मोतियाबिंद जैसी आंखों की बीमारी से लोगों को निजात दिलाएगा। अपने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जनता कल्याण केंद्र ने लोटस हॉस्पिटल के सहयोग से आंखों की जांच और मुफ्त में चश्मा मुहैया कराने के लिए नेत्र चिकित्सा शिविर की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत अंधेरी पश्चिम के मुंबई उर्दू स्कूल से की गई। यह गैर सरकारी संस्था भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव द्वारा चलाई जा रही है। यूनाइटेड ऑस्कर उर्दू स्कूल और मुंबई उर्दू स्कूल, ये दोनों स्कूल जो हैं, यहाँ गरीब माइनॉरिटीज़ के बच्चे काफ़ी आते हैं। एक एडेड स्कूल है, एक अनएडेड कॉलेज तक है। इसके जो चेयरमैन हैं नवाज़ भाई, तो हम और आज पंडित दीनदयाल जी की सेंटेनरी चल रही है, तो अंत्योदय जो है और भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय बहुत विचारक थे और युग पुरुष जैसे थे। इनके उपलक्ष में हमने आज एक मेडिकल कैंप रखा है। आई लोटस हॉस्पिटल जो है, इनका जो मेडिकल कॉलेज है, उनके माध्यम से यहाँ एक अवेयरनेस हो, आय का पूरा चेकअप हो, बाद में उनको आवश्यकता पड़े तो ग्लासेस फ्री दिए जाए, इस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और कल्पना ऐसी है, जो हमारा जनता कल्याण केंद्र है वो पूरे मुंबई शहर में आँखों के दृष्टि से, नेत्र के दृष्टि से एक अवेयरनेस कैंप तो करेगा, गरीब बच्चों को फ्री चश्मे भी देगा और पूरा मुंबई शहर को कैटरैक्स फ्री करना चाहते हैं। यानी रोशनी जो है वो सबको ठीक तरह से मिले, बच्चों को पढ़ाई में इसमें लाभ हो, और इस दृष्टि से ये गिलबर्ट हिल के बस्ती में हमने आज पहला कार्यक्रम किया है। और लगातार लोटस हॉस्पिटल और जनता कल्याण केंद्र मिलके, अपने आदरणीय पंतप्रधान हैं, उनकी जो इच्छा है गरीब लोगों के लिए काम करें, तो ये ट्रस्ट बिल्कुल गरीब लोगों के लिए काम करता है। अंत्योदय के जो प्रणेता है दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद हम विद्या विकास स्कूल में 21 तारीख को करेंगे, लेकिन पूरा मुंबई शहर इसमें नेत्र के दृष्टि से, उसकी कैंपेन के दृष्टि से, नेत्रदान के दृष्टि से, सब दृष्टि से लोगों को अवेयरनेस करेंगे। धन्यवाद। यहाँ बच्चों खासतौर से लड़कियों की आंखों की जांच की गई, जिसमें देखा गया कि बच्चों में मायोपिया जैसी बीमारी एक आम बीमारी जैसी हो गई है। मुंबई उर्दू स्कूल के चेयरमैन नवाज हाफिज खान ने अरुण देव जी के इस कदम की तारीफ करते हुए बताया कि इस स्कूल को स्थापित करने में अरुण देव जी ने जितना काम किया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों को जो है वो पढ़ाई करने के कारण जो जिन बच्चों की कभी कभी आँख में तकलीफ होती है और उनको ज़रा लिखने पढ़ने में तकलीफ होती है, तो उसको जो बेनिफिट जो है ये बहुत बेनिफिट मिलने का है कि उनकी आँख का चेकअप जो हो रहा है उससे बहुत बच्चों को फ़ायदा मिलेगा हमको। ये हमारे इलाके के डिप्टी मेयर जो थे माननीय अरुण देव साहब, ये बरसों से हमारे जब जो परमिशन था हमारे पास नहीं था स्कूल चलाने के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने हमारे को लेटर दिए परमिशन के लिए, सुधीर जोशी साहब थे शिवसेना के, तो इनके लेटर के ऊपर ही हमारी कामयाबी मिली। और आज तक जो है वो ऐसा हो गया कि परमिशन भी मिला और एडेट भी चल रही है, पहली से लेकर के दसवीं तक के हम लोगों को ग्रांट भी मिल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल, ट्रस्टी और वहाँ मौजूद सभी समाज सेवकों ने जनता कल्याण केंद्र द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। श्री अरुण देव साहब ने जो आई कैंप का यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, हमारे ट्रस्ट और मैं एज अ प्रिंसिपल, हमारे ट्रस्ट मैनेजमेंट की तरफ से मैं अरुण देव सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, ऐसा है कि ये स्कूल के बच्चों के लिए ज़रूरी भी चीज़ थी। क्या ये डॉक्टर लोग अभी चेकअप करेंगे तो ये पता भी चलेगा कि न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है या किस वजह से ये उनकी आँख में कमज़ोरी है? तो मैं अरुण देव साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से जो है बच्चों को जो है चश्मे की जो अगर किसी को ज़रूरत है और उनकी जो है फ्री चेकअप के लिए उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, ये लायक मुबारकबाद है और बहुत अच्छा काम है। हाँ, ये मुझे जो बच्चों जो ये स्मार्टफोन यूज़ करते हैं
उसके बारे में जो आँखों की हेल्थ खराब होती है उसका अवेयरनेस लाना जरूरी है, और उसी में ये लोग अच्छा अभी कार्य कर रहे हैं और इसमें हो सकता है आगे भविष्य में इनको फायदा होगा। लोटस आई हॉस्पिटल से आए स्टाफ ने आंखों की तकलीफ कैसे, क्यों और किस तरह शुरू होती है और साथ ही इससे कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी स्कूल के बच्चों को दी। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।